हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ, और ये है मेरी मॉर्निंग ग्लोरी। देखिए वीडियो भी सुबह सुबह बन रहा है, क्योंकि जो मॉर्निंग ग्लोरी है वो सिर्फ मॉर्निंग में ही खिलती है। यानी कि सुबह सुबह जैसे ही आप उठेंगे तो आपके गार्डन में इस तरीके से खूबसूरत से ये फ्लावर्स, देखिए बेलनुमा होती है, वाइन शेप होती है ये, और बहुत ईजी टू ग्रो है। मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, बहुत आसानी से ग्रो होने वाली है। और एक बार आपके गार्डन में लग गई तो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, यानी कि इसके सीड्स जो है बनते रहते हैं, आपके गार्डन में गिरते रहते हैं। आप नहीं भी लगाएंगे तो नेक्स्ट टाइम ग्रो हो जाएगी। तो बहुत आसान है इसे ग्रो करना, सीड से ग्रो कर सकते हैं आप इसे फरवरी के मंथ में। और बेस्ट टाइम होता है, अगर अभी भी नहीं ग्रो किया तो अभी भी ये ग्रो हो जाएगी, पूरी समर जो है आपके यहाँ ये फ्लावर करेगी। एक विंटर में ये फ्लावरिंग नहीं करती है। और सुबह जैसे इस टाइम जो है, इस समय जो है इसमें फ्लावरिंग होती है, और जैसे जैसे धूप आती जाएगी उसके बाद इसके फ्लावर जो है बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस समय देखिए कितने खूबसूरत जो है फ्लावर्स में आए हुए हैं, और ये इसकी लीव्स भी बहुत खूबसूरत होती है। इस तरीके से देखिए हार्ट शेप में होती है, और कुछ इस तरीके से भी होती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ जो है इस तरीके की भी होती है। मेरे इसमें दो इसमें वाइन लगी हुई हैं इस पॉट में, जो मैंने दो तरह की वाइन मेरे ग्रो हो गई है। और एक को तो मैंने सीड्स से ग्रो किया है, एक पिछली बार सॉइल में, जैसे मैंने बताया कि सीड्स मेरे आ गए थे और ये ग्रो हुई है। इसमें आपको वाइट कलर मिलेगा, पिंक कलर मिलेगा, और इस तरीके से डार्क जो ये आप ब्लू कलर देख रहे हैं ऐसा भी कलर मिलेगा। और इसमें कुछ जैसे ये बड़े फ्लावर हैं, कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स वाली भी आती हैं। देखिए इस समय मेरे अभी नहीं खिले हुए हैं, इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं इसके अंदर। और ये मेरा लाइट पर्पल है, और बंच में फ्लावरिंग इसके अंदर जो है होती है। तो दोनों बेल जो है मैंने थोड़ा एक साथ इसको कर दिया है, तो अच्छी लग रही है इस बार। और इसे जो आप रखें मॉर्निंग की, जो 3 से 4 घंटे की धूप इसके लिए सफिशिएंट होती है, और दिन की तेज़ धूप से इसे सिर्फ हमें बचाना होता है। लेकिन ये समर का फ्लावर है तो इसे सनलाइट भी चाहिए, आप इसे सेमी शेड एरिया में ना रखें। और इसकी अगर मैं सॉइल की बात करूँ तो कोई विशेष तरह की सॉइल की इसे ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी 50% जो है गार्डन सॉइल ले सकते हैं, और उसमें आप डस्ट यूज़ कर लीजिए, और थोड़ा उसमें जो है कंपोस्ट, हम इसमें कहेंगे कि आप 20% यूज़ करें, 30% डस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इसे ओवर फर्टिलाइज़र ना करें। इस प्लांट के साथ एक ये भी है कि जैसे हम अदर प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं, उस तरीके से इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप ना दें। और ये देखिए जब हम सॉइल बनाते हैं उस समय ही जो हम अपनी सॉइल में थोड़ा सा जो काउडंग मैन्योर यूज़ करते हैं, सरसों की खली आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा नीम खली का पाउडर, तो वही हमारे काफ़ी टाइम तक जो है फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। उसके बाद आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी जो है इसे आप दे सकते हैं, जो भी हम अक्सर जो यूज़ करते हैं लिक्विड, सीवीड्स का भी आप दे सकते हैं, और भी जो काउडंग का लिक्विड कंपोस्ट ही बनाई जाती है वो भी दे सकते हैं। बट इसे जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र नहीं करना जैसे हम अपने अदर फ्लावर प्लांट्स को करते हैं। इस तरीके से वीकली फर्टिलाइज़र इसे आप ना करें, इसे आप 15 महीने में एक बार भी करें तो आई थिंक सफिशियंट है। इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना करें, ओवर फर्टिलाइज़र से ये क्या होगा कि इसमें लीव्स जो हैं हमारी ये बहुत ज़्यादा बन जाएगी, और फ्लावर्स प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा। इस चीज़ का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वाटरिंग की बात करूँ तो देखिए इसे बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, बट इसकी सॉइल जो है हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए। यानी कि जो ये अपर लेयर है, जैसे ही जब ये सूख जाती है तो आप इसमें वाटरिंग कर दें। और ऐसा ना हो कि अगर हम पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो हम जो सॉइल तैयार करते हैं वो बेस्ट ड्रेनेज वाली होनी चाहिए, यानी कि आप उसमें थोड़ा सा डस्ट जरूर मिक्स कीजिए ताकि ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट रहे। और नीचे जो है हमारे पॉट के अंदर, जब भी हम पॉट बनाते हैं तो एक ठिकरी की लेयर बना दीजिए ताकि रूट बाउंड ना हो और आसानी से जो है वाटर इसमें ड्रेन हो जाए, तो प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बारिश के दिन भी आएंगे तब भी आप जो है इसे पानी भी इसमें जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा ये है कि इसके लिए हमें ट्रेलिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए कि वाइन है मेरे पूरे, पिछली बार उसे स्पेस कम मिल पाया, इस बार मैंने इस तरीके से देखिए एक लंबी जो है, क्योंकि देखिए मेरे पास तो थोड़ी स्पेस कम है तो मुझे थोड़ा जुगाड़ जिसे कहते हैं इस बार मुझे करना पड़ा। मुझे लग भी रहा था कि मैं इस तरीके से इसे जो है ग्रो करूँगी, तो ये बहुत खूबसूरत सी एक जो है इस तरीके से वहाँ तक पूरी ये वाइन जाएगी तो बड़ी खूबसूरत लगेगी। इसलिए मैंने इसको देखिए एक जो है ये डोरी है इसे बांधा है। इसे थोड़ा सा अदर प्लांट से अलग करते जाइए, वरना बहुत जल्दी से जो वाइन होती हैं पकड़ लेती। या फिर आप इस तरीके से देखिए
जो हम वेजिटेबल्स के लिए इस तरीके से बैम्बू का एक वो बना देते हैं स्टिक वाला, आप मार्केट में देखेंगे तो अभी जो है इस तरीके के बैम्बू की स्टिक में आजकल ये लगा हुआ आता है, तो इस तरीके से भी आप इसको एक थोड़ा सा इसका स्टैंड बनाकर उस पर भी आप इसे लगा सकते हैं। और कई लोगों के पास स्पेस ज़्यादा होता है तो उसे ग्राउंड में भी फैला देते, बहुत खूबसूरत लगती है, बट हम पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती टेरेस पर कितना स्पेस हो। और हालांकि इसे जो है बस दिन की धूप, जो तेज़ धूप होती है उससे बचाना होता है, बट मैंने तो थोड़ा धूप में ही रखा हुआ है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लांट रखे हुए, बट और कोई इसे प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रही है ये। और अगर मैं इसमें बात करूँ इंसेक्ट्स की, तो इसमें ऐसा विशेष तो नहीं होता, बट थोड़ा सा जो है स्पाइडर माइट का अटैक हो जाता है लीव्स के पीछे इस तरीके से। जो लीव्स होती है आप कभी जो चेक करेंगे तो स्पाइडर्स का कुछ अटैक होता है, तो जो अदर प्लांट्स को आप वीकली आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं वो आप इस पर स्प्रे कर दीजिए तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर लीव्स पर ज़्यादा ही अटैक हो गया तो उस लीव को कट करके अलग कर दीजिए, तो ये काफ़ी अच्छे से बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। और इसे सीड से ग्रो करना बहुत आसान है। देखिए एक मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से जो ये सीड पॉट बनने, देखिए ये देखिए इस तरीके से इसमें जो है सीड पॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो सीड्स होते हैं इसका मैं देखिए आपको निकाल कर दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर जो है ब्लैक, अभी देखिए ग्रीन कलर के हैं, ये धीरे धीरे ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, इनको आप बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाते हैं ये। और इनको जब आप ग्रो करते हैं इस तरीके के जो ब्लैक सीड्स होते हैं उन्हें जब आप ग्रो करें तो एक दिन के लिए पानी में डिप कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है ये, जब आप पानी में सोक कर देंगे तो जर्मिनेशन 3 दिन में ही आपके यहाँ इसका जो है जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका बेस्ट टाइम ग्रो करने का फरवरी का मंथ है। वैसे तो ये पूरे साल भर वाइन बनी रहती है, बट विंटर में थोड़ी कई कई जगह पर ठंड ज़्यादा होती है तो ये डैमेज हो जाती है, वरना जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर ये काफ़ी पूरे साल सर्वाइव करती है। और नेक्स्ट ईयर आप इसे जब सर्दी आती है तो आप इसे सनलाइट में इस अच्छे से प्रोवाइड कराइए, और फिर इसके बाद जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा और आपके जो है इसमें वापस से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइन है, इसे आप ग्रो कीजिए, बहुत खूबसूरत लगती है। जैसे ही आप गार्डन में सुबह उठ कर आएंगे तो आपके यहाँ पर इस तरीके से ब्यूटीफुल से जो है फ्लावर्स आपको मिलेंगे। इसे ग्रो करना बहुत आसान है, यानी कि आसानी से ग्रो होने वाली वेल है ये, और बहुत खूबसूरत से इस पर फ्लावर्स होते हैं। ये सीड्स इसके आपको शॉप पर भी मिल सकते हैं, या फिर किसी के यहाँ लगे हुए होंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे प्लांट्स भी निकल जाते हैं, या उन सीड्स जो अब देखिए जैसे इसमें सीड पॉट बनेंगे तो मैं इन्हीं सीड्स पॉट को इकट्ठा कर लेती हूँ और उसी से इन्हें ग्रो करती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।